अमेज़न में ये होता है कि आप जो भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरर से जो ना आप चैनल सोर्सिंग कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ कमेटी सोर्सिंग कर रहे होते हैं, ऐसी टू लॉन्च इधर ऑलरेडी अमेज़न मौजूद थी। बेसिकली आज जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो जो है एक तरीके से ख़त्म होता जा रहा था। हाथ से बनी हैंड मेड हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म होती जा रही थी, तो ये चीज़ें देख कर एक आइडिया आया और Etsy.com लॉन्च की। तो ये एक यहाँ पर हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट काफ़ी सेल आउट होती है और ये काफ़ी तेज़ी से आज तक ट्रेंड कर रही है US में और मुख्तलिफ कंट्री में। इसको हम कह सकते हैं ये 4 लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है पूरी दुनिया में। चले अच्छा मैं थोड़ा सा जब भी एडसी बन रहा है मेरी वीडियो खोल दी है, थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहता हूँ लेडी के हवाले से, एक फाइट होती है बड़ी बड़ा ज़बरदस्त सेशन देता है के हवाले से और कोई वीडियो से सीखना चाह रहा है लेडी में कोई जाता है पता है किसी को कि जॉब कैसे सर्च करते हैं एनी वन सर ये पता है लेडी में किसी की प्रोफाइल है लेडी को मैं थोड़ा सा एडिशन ये करना चाह रहा था कि आप ऐसा समझे कि कोई जना MS ऑफिस सीख रहा है MS ऑफिस का काम जानता है या MS एक्सेल का काम जानता है तो उसके लिए कि पाकिस्तान में अगर वो जॉब मिलती है तो PTR में कमाता है। अब वही स्किल आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हैं, आयरलैंड में US में कनाडा में न्यूजीलैंड में कहीं पर भी वो स्किल आ सकती है। तो लेकिन में एक जॉब का सेशन था वहाँ पर लेंगे जो काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर सेशन को एक्सप्लोर करें। अच्छा तो मैं ये बता दूँ Etsy मार्केट प्लेस है, Etsy मार्केट प्लेस ऐसी है जैसे कि कोई मॉल है, मॉल में जो ना इन्होंने जो ना मुख्तलिफ टी शर्ट की शॉप है मुख्तलिफ शॉप है, मॉल का काम ये होता है मार्केटिंग करते हैं लोगों को अपने पास विजिट करने का, ठीक है वो मार्केट प्लेस को कोई भी मार्केट प्लेस का ये काम होता है। पेंटिफाई बेसिकली मैन्युफैक्चर पार्टनर है जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास दिमाग में आइडिया है, आप कैमरों पर जाकर डिज़ाइन कर सकते हैं वो जो ना चीज़ें टी शर्ट्स पर हुडीज पर और ये टी शर्ट्स हो गई फोन केसेस हो गए हैट्स हो गया मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं ऑर्नामेंट्स हो गए मग्स हो गए, तो वहाँ पर आप जो ना यहाँ पर खाली पेश करेंगे और पेंटिफाई आपके बिहाफ पर आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा प्रोडक्ट। पाकिस्तान से Etsy शॉप कैसे क्रिएट करें, पाकिस्तान से एक वक्त आ जाता है कि अमेज़न पाकिस्तान में आ गया और ईबे भी पाकिस्तान में आ गया लेकिन अभी Etsy पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन दी फ्यूचर हम उम्मीद कर रहे हैं कि Etsy इस साल तक पाकिस्तान में आ जाएगा एट दी एंड तक। और लेकिन इस वक्त आप किसी भी आपके US में UK में कनाडा में कोई भी है उसकी डिटेल यूज़ करके आप Etsy का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस्तोनिया ई रेजिडेंसी के बारे में कोई जानता है एनीवन इस्तोनियन ई रेजिडेंसी, चलो कोई बात नहीं आपको बता दूँ इस्टोनियन ई रेजिडेंसी बेसिकली ये है कि आप जो ना यूरोप का एक कंट्री है इस्टोनिया वो आपको ई रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है, घर पर बैठकर आप उसे $100 पे कर दें आपकी ई रेजिडेंसी का कार्ड आ जाएगा उसके जरिए आप Etsy का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से सबको अप्लाई करना चाहिए इस्टोनियन ई रेजिडेंसी, इस्टोनिया में ये है कि ई रेजिडेंट आप बनकर उनके बिहाफ पर अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं कोई भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।